फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये मैंने डी मार्ट में देखे हैं और कुछ खरीदे भी हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं इसी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम डी मार्ट में गए तो सबसे पहले हमारे सामने ये लंच बॉक्सेस थे, बट इनमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं आगे बढ़ गई। यहाँ पर दिखे हमें ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट्स जो हैं वो यहाँ पे हर तरह के मिल जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल बेड के हैं दोनों तरफ, ये 229 का है, थोड़ा हैवी सा है ये, और दूसरी तरफ जो है ये 120 का, समझ लो 119 का है। तो ब्लैंकेट ठीक ठाक लगे देख के हिसाब से मुझे। ये मेरी दीदी है, दीदी के ना फेस पे स्वेलिंग आई हुई है क्योंकि वो कुछ दवाइयाँ खा रही है। दीदी मुझे दिखा रही है, देख यहाँ पे ये ब्लैंकेट भी है। तो ब्लैंकेट ये भी अच्छा था, ये भी शायद ये 179 का है, ये रेट लिखे हुए यहाँ पे। तो दोनों तरफ अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे पूजा स्पेशल की हुई है लड़ियाँ, तो ये लड़ियाँ ठीक है, ये 50 रुपीज़ के आसपास की थी शायद, 49 की, हाँ 50 रुपीज़ की है ये। आगे जब हम बढ़े तो हमें यहाँ पर बेडशीट्स भी दिखी। बेडशीट्स आप जैसी चाहें वैसे ले सकते हैं, 649 की भी है, 529 की भी है, 599 की भी है। बेडशीट अच्छी हैं बट मुझे लेनी नहीं थी तो मैं आगे बढ़ गई। तो ये देखिए कितनी तरह की है। अब ये फिर ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंकेट बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मुझे, और रेट के हिसाब से भी मुझे ये काफ़ी सही लगा, मतलब सुंदर भी हैं और हैवी भी हैं। तो ये ब्लैंकेट मुझे अच्छे लगे, दीदी ने मुझे दिखाया ये, लेकिन 899 के हैं, और ये 700 का समझ दो, 699 का है, ये भी मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से, मतलब डी मार्ट से जो आपके पास पड़ता है, ब्लैंकेट खरीद सकते हैं। कारपेट भी है यहाँ पर, तो आप रेट भी देख सकते हैं, और क्वालिटी तो खैर अच्छी है ही। तो 1345 का है ये भी कारपेट है जो कि अच्छा है। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड्स की बहुत सारी वैरायटी है, और ग्रेटर रखे हुए यहाँ पर, स्पून स्टैंड्स रखे हुए हैं, ग्रेटर अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। 129 का है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके, इसमें होल्स बने हुए हैं बड़े छोटे, और ये छोटको सा है ना, ये भी बड़ा प्यारा सा है, जैसे अदरक वगैरह आपको घिसनी हो तो उसके लिए। और ये इन्हें शायद मामदस्ता बोलते हैं, वुड के हैं ये, 149 का। और यहाँ पे विस्कर्स भी मिल रहे हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये 29 का है, इसे मैंने परचेज कर लिया है क्योंकि मेरे पास जो है ना वो थोड़ा बड़ा वाला है, तो मैंने एक छोटा वाला ये भी खरीद लिया। तो देखिए रेट यहाँ लिखे हैं 29। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे स्टील के बर्तन भी हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ, बड़ी बड़ी थालियाँ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यूपी में पड़ता है गाज़ियाबाद के पास, तो इस डी मार्ट में हम गए थे, और यहाँ पे ये एयरटाइट ग्लासेस है, और ये ग्लासेस की छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। तो एयरटाइट ग्लास का मुझे कुछ करना नहीं था तो इसे तो मैंने नहीं परचेज़ किया, क्योंकि कहीं आने जाने के लिए तो बॉटल्स ही ठीक लगती है मुझे, एक गिलास में तो कितने जने का पानी आएगा, तो इसे तो मैंने वापस रख दिया। हाँ, लेकिन मैं ये प्लेट ले रही हूँ जो गिलास के ऊपर रखते, छोटी सी प्यारी सी है, तो इसे मैंने परचेज कर लिया है। और ये ऑयल कंटेनर है, मेरे जीजा जी भी कुछ दिखा रहे हैं दीदी को, और ये है मेरे हस्बैंड, बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये, बहुत ही अच्छे इंसान के, बहुत ही अच्छे हस्बैंड भी हैं ये, बहुत अच्छे पापा भी हैं ये। तो यहाँ पे केक टिन्स मिल रहे हैं, हार्ट शेप भी है, फ्लावर शेप भी है, तो मुझे केक टिन नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही है तो मैं इसे परचेज़ नहीं करूँगी। और वैसे भी मुझे ऐसा वाला चाहिए था जो नीचे से अलग हो जाता ना, जिसका बॉटम वो, तो ये मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि डी मार्ट में क्या क्या मिलता है, अगर आप कुछ लेना चाहें तो जा सकते हैं। ये स्टील के भगोने भी अच्छे हैवी हैं, और ये 3 का सेट है,
ये देखिए नीचे से बॉटम जो है कॉपर का है, तो हैवी बॉटम है, सही लगे मुझे ये। मेरे ख्याल से ये 200 के 199 लिखा हुआ है, जहाँ पे ये रखे हुए थे वहाँ पर। ये 499 के हैं ऊपर वाले, और यहाँ पे ये कुकर भी है। कुकर यहाँ पे आपको प्रेस्टीज का भी मिलेगा, बटरफ्लाई का भी मिलेगा, और हॉकिंस भी है, तो अधिकतर कुकर यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर 5 लीटर का भी है, 3 लीटर का भी है। तो मुझे तो कुकर के मामले में सेल का काफ़ी वैरायटी है। अब ये आ गया पूजा का सामान, तो ये देखिए छोटी छोटी सी कटोरियाँ सी लगी हुई है, ये अच्छा लग रहा है। एक में तिलक एक में चावल करके इस तरह से मंदिर जाओ ले जाओ। दिए भी हैं प्यारे प्यारे से, और ये यहाँ पे कलश भी रखे हुए हैं। वैसे मैं डीमार्ट में पहली बार आई हूँ, यहाँ पे आसन भी रखे हुए हैं, पूजा करते समय आप बिछा सकते हैं। किचन टॉल्स हैं, और यहाँ पे ग्लव्स भी है डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये किचन टॉल्स भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ का एक है। ये है वाटर बॉटल, तो यहाँ पे प्लास्टिक की भी मिल रही थी वाटर बॉटल और स्टील की भी। मुझे वैसे प्लास्टिक की वाटर बॉटल पसंद नहीं है, मैं स्टील की परचेज करती हूँ। बट मेरा बेटा है ना, जो उसे तो बस सुंदरता दिखती है कि कौन सी सुंदर है वही लेनी है। ये लीव्स वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वगैरह, तो इसमें आप फ्रूट्स रख ले, टेबल पर रख ले, सुंदर लगेगा। 149 का है, और ये बच्चों के लिए बाथ टब है, छोटे छोटे बच्चों को अब तो बाथ टब में नहलाते, पहले तो ऐसे ही नहला दिया जाता था, परात में नहला दिया जाता था। ये स्टोरेज बॉक्स 500 का है, ये क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसकी। अभी आ गए कंटेनर्स, 119 का है ये एक कंटेनर, सही लग रहे हैं कंटेनर तो मुझे। ये 89 का है आप देख सकते हैं, और ऊपर 139 का है। और ये क्लिप्स भी बहुत काम की रहती है, नमकीन वगैरह सीले नहीं तो आप क्लिप्स लगा सकते हैं। ये वाली बोतल मुझे अच्छी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा बेटे के लिए लूँ ना लूँ। मुझे सबसे अच्छी तो ये लगी, देखिए पांडा वाली, ये दबाने से इसका मुँह खुल जाता है। अच्छी तो है बट बहुत छोटी है, और 249 की है, महंगी सी लग रही है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टेडी बियर भी है, तो हर तरह का है, आप जैसा मर्जी ले, बड़ा छोटा, रेट भी लिखे हुए हैं सबके साथ। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसमें आप सौंफ मिश्री रख सकते हैं, पिकल्स भी रख सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन देखा था तो काफ़ी महंगा था, 194 का था, यहाँ तो 89 का ही मिल गया मुझे। ये बॉक्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये प्लेट कांच की, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे ये यहाँ पर 129 की है, ऑनलाइन तो काफ़ी महंगी मिलती है। ये कांच का सामान तो मुझे सारा यहाँ पे अच्छा ही लगा। ये बास्केट भी देखिए 99 की है, सुंदर है, अच्छी लगेगी रखी हुई टेबल के ऊपर। यहाँ पे मुझे कांच का सामान तो काफ़ी सस्ता लगा, जैसे ये आइसक्रीम कप है, आइसक्रीम कप्स कह लो या बाउल्स, ये शायद मैंने 230 का परचेज किया, जबकि ऑनलाइन ये 400 के आसपास था। हमने तो सामान ले लिया और बाहर आके इंतज़ार करने लगे दीदी जी अजी का। यहाँ पर दालें भी सस्ती मिलती है। अब हम घर पे आ गए, चाय पानी पिए हमने, और इस तरह से हमने आज शॉपिंग करी है। ये था आज का मेरा व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।